उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार को बाहर निकाला गया। ये मजदूर सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद 12 नवंबर से इसी सुरंग में फंसे थे। तब से इन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। इसमें कई एजेंसियां शामिल थी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सुरंग से बाहर निकाले गए मजदूरों में किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। सीएम धामी ने बताया कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं। वे स्ट्रेचर पर ले जाने के बजाय रेंगकर पाइप से बाहर आए। मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद मजदूर अपने अपने घर जा सकेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मजदूर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए काम कर रहे थे। एजेंसी ने मजदूरों को 15 से 20 दिनों के लिए घर जाने की अनुमति दी है। धामी ने बताया कि सबसे पहले युवा मजदूर को सुरंग से बाहर निकाला गया। इसके बाद एक एक करके बाकी मजदूर बाहर निकाले गए। उन्होंने बचाव अभियान के दौरान निरंतर समर्थन और प्रेरणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सभी 41 मजदूरों को 1,00,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि मंदिर के मुहाने पर बौखनाग मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाना है। पहाड़ी राज्य में निर्माण अधीन सुरंगों की समीक्षा की जाएगी। धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने निर्माण अधीन सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान में इस्तेमाल की गई अमेरिकी ऑगर मशीन को कई बार बाधाओं का सामना करना पड़ा। पुष्कर धामी ने आखिरी 10-12 मीटर की खुदाई करने वाले रेड माइनर्स को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैनुअल खुदाई करने वाले माइनर्स ने अहम भूमिका निभाई। मजदूरों के बाहर आने के लिए सबसे छोटे रास्ते के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से सलाह ली गई थी। धामी ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और दिल्ली जल बोर्ड के मजदूरों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने मजदूरों तक पहुंचने के लिए मलबे के अंतिम हिस्से में ड्रिलिंग की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मजदूर पहले कुछ दिनों तक अपने भाग्य को लेकर अनिश्चित थे, लेकिन एक बार जब उनसे संचार स्थापित कर बातचीत की गई और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए शुरू किए गए विशाल बचाव अभियान के बारे में पता चला, तो वे उनकी निकासी को लेकर आश्वस्त हो गए। उनके अंदर एक ज्वाला जली, उनके भीतर एक ज्वाला ने जन्म लिया कि हाँ, हमारे बचने के जो चांसेस हैं, हमारे बचने की जो उम्मीद है वो बरकरार है। हम जल्द ही इस अंधेरी सुरंग से, रात से बाहर निकलेंगे। बाहर का उजाला नसीब होने वाला है।